तारीफ करो आप। और आज हमने तो ये सोचा था कि जल्दी से करेंगे ताकि ये सेटलिंग पूरी हो जाए, लेकिन जो कलेसिया है, जो आने वाले लोग हैं, उनको वही आदत है कि 12 बजे 1 बजे जाना है ना। एक बार ऐसा कर देंगे, मैं हर बार वेदी से बोलता हूँ कि 10 बजे का टाइम देके और 10:30 बजे इसकी एंट्री बंद कर देंगे, वो बाहर खड़े रहेंगे, तो अगले संडे फिर देखना वो 9:30 बजे आपसे पहले आएंगे, है ना। तो प्रभु कहता है जो मेरे पर एक राई के विश्वास करता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहाड़ भी हटा देता हूँ। और आप सोचते होंगे कि हमारे ऊपर तो कोई पहाड़ है ही नहीं। कितने लोगों के ऊपर पहाड़ है? कौन सा अनक वाला की वो दूसरा है ना। मैं आपको बताता हूँ आपके ऊपर कौन सा पहाड़ है। आपके ऊपर पहाड़ है बीमारी का, कर्जे का, दुष्ट आत्मा का, अंधकार की शक्ति का, लड़ाई झगड़े का, व्यभिचार का, ये सारे आपके ऊपर पहाड़ हैं। और ये पहाड़ परमेश्वर हटा देगा आज। परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग। परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अगर परमेश्वर सेनाओं का यहोवा आपके संग है तो बताओ आपको कोई छू भी नहीं सकता। देखो ये कलीसिया अभी गाड़ियां भर भर के आ रही है, अभी तो ये मेरे को लगता है कि 1 बजे तक आते रहेंगे इस तरह, है ना। तो ये सब प्रभु का अनुग्रह है और वो परमेश्वर आपको देने वाला सामर्थी और जीवित परमेश्वर है। आप जिस जगह पर खड़े हो वो आम नहीं, आप सबका खास है, वो आपका पिता है, वो जीवित परमेश्वर है। उसके लिए तारीफ करो आप। और मैं आज आपको एक वचन सुनाता हूँ कि याकूब 1:5 के अंदर लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। अपने आप में समझदार ना बनो कि मैं समझदार हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, तू तेरी मर्जी से, तू तेरी इच्छा से, तू तेरी बुद्धि से, तेरी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। आप बताओ क्या कर सकते हो? फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। इसमें लिखा परमेश्वर ने कि यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाना दिए आपको उदारता से दे देगा। यानी कि आपको खुश होके वो दे देगा, लेकिन कब देगा? जब आप मांगेंगे। कितने लोग हो जो परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर मेरे को बुद्धि दे, नहीं हाथ खड़ा एक दूसरे के देखने से। आपने सच बताओ आज तक मांगा कभी कि परमेश्वर मेरे को बुद्धि दे है? नहीं, अपने आप में सारे समझदार बनते हो कि ना जी मैं तो समझदार हूँ, मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन आज के बाद मांगना कि परमेश्वर मेरे को बुद्धि दे। और अगर आप मांगोगे तो उसके वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा, पर विश्वास से मांगे। देखो कितना लिखा है इसमें, याकूब 1:5-6 में लिखा कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। संदेह करने वाला कौन है? जिस तरह आप यहाँ आए, आज नए कितने लोग आए हो? शाबाश, एक नए जो आए हैं, 2-3। आपको बताता हूँ संदेह करने वाला कौन होता है। क्या हो गया इसको, साइड में दिखाओ उसकी जरा। हाँ जी, क्या हो गया? घबराहट नहीं, अब देखो लाइव चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि संदेह करने वाला कौन होता है। संदेह करने वाला वो होता है जिस तरह आप आज यहाँ आए और आके यहाँ कहते हो जी ना जी आ तो गए हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, मुश्किल है मेरे तो ठीक होना। तो वो आप संदेह कर रहे हो, आप नहीं होंगे ठीक, आपने संदेह किया। इसमें लिखा देखो संदेह करने वाला, पर विश्वास से मांगे। यहाँ आयो तो विश्वास करके आओ कि आज मेरी गरीबी यही छोड़ के जाऊंगी। यहाँ आयो तो कहो मेरा लंगड़ापन आज चला जाएगा, वो चला जाएगा। अगर आप विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, तो संदेह करने वाला कौन होता है? समुद्र की लहर के समान जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे कोई प्रभु से कुछ मिलेगा। देखो इसमें लिख रखा है जो संदेह करके आया है वो ये ना समझे कि हम कुछ लेके जाएंगे। उसके लिए परमेश्वर ने कहा कि वो एक समुद्र की लहर के समान है जो उछलती कूदती है और बाद में जम हो जाती है। जिस तरह समुद्र की लहर कितने लोगों ने देखी है, सुनी है? समुद्र की लहर आपने देखी नहीं, सुनी है ना। तो समुद्र की लहर क्या होता है, जिस तरह एक बार जब आती है तो बहुत ऊंचाइयों से आती है और फिर वो धीरे 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 करके वापस समुद्र में समा जाती है। जिस तरह जब आप घर से चले
तो आपको ये था, हाँ जी आज चर्च में जाएंगे जी, पास्टर से मिलेंगे जी, हालेलुया आमीन जय मसीह की, हाँ जी बहुत विश्वास से आए हो आप। वो क्या है, एक आपका उछलना है, एक समुद्र की लहर है, या आना बड़ी बात नहीं है, या आके बने रहना एक बड़ी बात है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। तारीफ को कि समुद्र की लहर के समान जो उछलती कूदती बहती रहती है, ऐसा मनुष्य ये न समझे कि हमें प्रभु से कुछ मिले।